अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लेकर। विद्या भारती के तत्वाधान में 3 दिवसीय अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निराला नगर में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में देश व प्रदेश के विभिन्न सरस्वती स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। समापन अवसर पर रीवा शहर के सभी सरस्वती स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति व संस्कार को बचाना आवश्यक है। परंपरा व संस्कार से ही संस्कृत का निर्माण होता है। विद्या भारती की संस्थाएं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शिक्षा देने का गुरुतर कार्य कर रही है, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्य रहे। उन्होंने कहा कि विषय के ज्ञान से उच्च पद प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु विद्या का ज्ञान सेवा का धर्म सिखाता है, जिससे दिशा बदलने का कार्य सुगम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृत पर बहुत हमले हुए, मगर हमारी संस्कृत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें कोई डिगा नहीं सका। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्या भारती के पूर्व छात्र एवं पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन ने अपने विद्यालय के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयीन शिक्षा से ही संस्कार व अनुशासन का पाठ सीखने को मिला, जो आज कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का संबल प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, विद्या भारती के सह संगठन मंत्री राम रावकर एवं विद्या भारती मध्य क्षेत्र के सह संगठन मंत्री डॉक्टर आनंद राव, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी सहित राम नरेश तिवारी, निष्ठुर मन्नू गुप्ता, पुष्पेंद्र गौतम एवं विद्या भारती के विभिन्न विद्यालयों के आचार्यगण, छात्र छात्राएं, उनके परिजन व स्थानीय जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया